एक ऐसा वीडियो लगा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे जो उस पार 6 इंच का पाइप पहुंचाया गया और उसके बाद जैसे कैमरा गया और उसके बाद तस्वीरें सामने जो आई हैं वो बेहद ही दिल को सुकून देने वाली तस्वीरें हैं। जिस तरह से अंधेरा छाया हुआ था और मलबे के उस पार क्या है उसकी वजह से काफी तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिस तरह से 6 इंच का पाइप जब अंदर डाला गया और वो पार हुआ तो जो श्रमिकों की पहली तस्वीर सामने आई वो काफी दिल को सुकून देने वाली और राहत भरी है, क्योंकि कई तरह के सवाल उठ रहे थे कि उस पार क्या है, किस तरह से श्रमिक रह रहे हैं, कितने श्रमिक हैं और उन किस स्थिति में हैं। आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि अभी मौजूदा हालात क्या है, सुबह हुई है, सूरज निकला है और कैसे टनल में लगातार काम जारी है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मंदिर की स्थापना की गई थी, वहां पे पूजा की जा रही है और ऊपर एक और मंदिर स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, वहां पे पंडित देखे जा सकते हैं। इसके साथ नीचे अगर हम देखें तो काफी सामान तैयार है, बॉक्स हैं जिन बॉक्सेस को बताया जा रहा था कि कवलेट्स का इस्तेमाल किया जाएगा और सेफ पैसेज के लिए इन बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाएगा, और इसके साथ ही फैब्रिकेशन का भी सामान रखा हुआ है। लगातार टनल के अंदर रूफ ट्रीटमेंट का काम चल रहा था जिस तरह से मलबा आ रहा था, और 4 दिन पहले जो टनल में जो स्थिति खराब हो गई थी उसकी वजह से टनल में काम रोक दिया गया था, और अभी बताया जा रहा है कि ऑगर ड्रिलिंग मशीन अब से कुछ ही देर में अपना दोबारा काम शुरू कर सकती है। तो सुबह होते ही रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। मौजूदा हालात ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां पर स्थिति पहले से काफी बेहतर है क्योंकि संपर्क साध लिया गया है। वही टनल के बाहर मंदिर बनाया गया है जहां पूजा पाठ जारी है, इसी तरह टनल से कुछ मीटर दूर थोड़ी ऊंचाई पर भी एक मंदिर बनाया गया है। इन दोनों जगहों पर टनल में फंसे लोगों की सलामती के लिए पूजा पाठ हो रही है। और ये तो टनल के ऊपर बनाया गया मंदिर है, देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर इन मजदूरों के लिए पूजा पाठ किया गया, जिसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई किस तरीके से इन मजदूरों की सलामती के लिए देश में अलग अलग जगह पूजा पाठ हो रही है। सरकार की तरह से यहां पर ध्यान दिया जा रहा है, अधिकारी वहां पर मौजूद है, एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर बुलाई गई है, साथ ही साथ आस्था जो सबसे ऊपर है उसका भी सहारा लिया जा रहा है कि किसी भी तरीके से इन मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला जा सके। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या जायजा लिया वो इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ये तस्वीरें उम्मीद जगाती हैं, ये तस्वीरें ये एहसास दिलाती हैं कि जो हमारी सेंट्रल एजेंसीज हैं जिस ट्रैक पे जिस रूट मैप पे काम कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। और मैं बिना वक्त गवाए मेरे ठीक पीछे सिलक्यारा टनल है उसकी तस्वीरें दिखाऊंगा और उसके बाद दर्शकों को समझाते हैं आखिरकार इन तस्वीरों का क्या मतलब है। देखिए सबसे पहले आपको बाएं हाथ की तरफ दीपक को कहूंगा वो उस पूजा स्थली को दिखाएं जहां पे इस वक्त एक पंडित बैठे हुए हैं, पूजा चल रही है, यानी कि विज्ञान का सहारा है ही साथ साथ आस्था भी यहाँ पे ग्राउंड पे आपको दिखाई देगा। और ठीक उसके बगल में सिलक्यारा टनल जहां पे हेवी मशीनरीज को डिप्लॉय किया गया है और उन मशीनों के सहारे इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो आपने हमारे संवाददाता को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है, और अब राहत की बात यह है कि इन मजदूरों से संपर्क साध लिया गया है, कैमरा भी वहां पर मौजूद है, वॉकी टॉकी के जरिए संपर्क हो रहा है, खाने पीने की तमाम चीजें, पका हुआ खाना अब मजदूरों तक पहुंचाया जा पा रहा है। तो टनल में फंसे वीरेंद्र के परिवार को अब उम्मीद है कि जल्द सब ठीक हो जाएगा, फिर वो अपने परिवार के साथ छठ और दिवाली मनाएंगे। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत राहत देने वाली हैं। इतने दिनों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम लगातार लगी हुई थी और आज ये गुड न्यूज आई है। वीरेंद्र के परिवार से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, आइए सुनते हैं। सिलक्यारा टनल के अंदर से बेहद ही उम्मीद भरी तस्वीरें बाहर आई हैं, वो तस्वीरें जिसमें जो 41 वर्कर्स अंदर फंसे हुए सिलक्यारा टनल में वो बात करते हुए मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेफ दिखाई दे रहे हैं। और वीरेंद्र का पूरा परिवार हमारे साथ है जो इस वक्त टनल के अंदर फंसे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं लोगों से बात करते हैं, आप अपना नाम बताएं और जो तस्वीरें सुबह सुबह आई हैं आप लोगों ने देखी है?
हम लोग देखे हैं, लेकिन उसमें वीरेंद्र का ऐसा तस्वीर स्पष्ट नजर नहीं आया। हाँ। इसीलिए हम लोग बोले कि चलिए कोई बात नहीं, अंदर का तस्वीर है तो ठीक ही है, अच्छा है, कम से कम वो लोग सकुशल तो है, इसके लिए हम लोग मतलब निश्चिंत है थोड़ा सा। और अभी उस सबसे बात नहीं हो पाई है, अगर उस सबसे बात हो जाती है तो ये तस्वीर पूरा स्पष्ट हो जाएगी कि भाई हम लोग बहुत ठीक है और सब चीज हम लोग को मिलने लगा, खाना पीना भी, जो 6 इंच का पाइप जो गया है उससे वो लोग को जो राहत वाला चीज सामग्री मिल रही है, वही बात हो जाएगी तो पूरा स्पष्ट हो जाएगी और हम लोग के पास पूरा तस्वीर क्लियर हो जाएगा कि भाई सब चीज ठीक ठाक है। अब जो निकालने का जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसमें जल्द से जल्द किया जाएगा और हम लोग को बाहर निकालने के बाद फिर ठीक हो जाएगा सबको। हम लोग, क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवेंद्र किश्कू है। देवेंद्र किश्कू जी, आप बिहार बांका के रहने वाले? बिहार बांका के रहने वाले। आप यहीं थे या फिर जब ये एक्सीडेंट हुआ आपके भाई अंदर फंस गए तब वहाँ से आए? ये मतलब 5 दिन के बाद एक्सीडेंट होने के बाद मैं आया हूँ। दिवाली में आनंद फानंद छोड़ करके सब कुछ, तो उस दिन से ही तो हम लोग परेशान है कि उस दिन के बाद ही, उसी दिन जब ये घटना घटी तो इसके बाद कहाँ, अब इसके सब चीज सब कुछ खत्म हो गया। अब जब निकलेंगे इसके बाद ही सब दिवाली छठ होगा, उसके पहले तो कोई चीज का ही नहीं है।